Hello student, today I am discuss about class plus one science, unit first, chapter first, physical world. What is physics? कहा जाता है physics in letters means Q, U, sigma, N. Mean in words से, in letters से physics derive हुई है. Means nature. Nature means physics. मीन्स जो हम फिजिक्स की बेसिक बात करें, जैसे हम अपने आसपास भी देखते हैं, जैसे दिन रात का होना, समुद्रों में लहरों का बनना, लाइट को हम देख पा रहे हैं, टीवी में जो इमेज जो स्क्रीन पर हम देखते हैं, सभी क्या एक्सप्लेन होते हैं, सभी से क्या एक्सप्लेन होता है, फिजिक्स. फिजिक्स इज द लॉ दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड. मीन जो आसपास की दुनिया को समझाए विद लॉ से, वो क्या है, फिजिक्स. मीन फिजिक्स बेसिक लॉ है. मीन फिजिक्स क्या है, बेसिक लॉ ऑफ नेचर है. बेसिक लॉ ऑफ नेचर, लॉस ऑफ नेचर. मीन्स फिजिक्स को किंग कहा जाता है साइंस का. बेसिकल डेफिनेशन डील्स विद स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर. मीन्स मेन फिजिक्स क्या है, लॉ ऑफ नेचर है. मीन्स हमने डिस्कस किया है, जैसे नेचर जो कुछ है लॉ से गवर्न होता है, उनकी भी कुछ ना कुछ ड्यूटीज होती है. जैसे सूरज निकलता है, हमेशा ईस्ट से ही निकलता है. मीन्स ये तो नहीं है कि उनका मूड नहीं है तो वो कोई और दिशा में, और डायरेक्शन में होगा, ऐसा तो नहीं है. मीन्स लॉ से गवर्न हुआ है. मीन्स सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है. मीन्स साइंस को जो तुम भी मानते हो, मीन्स नेचर हम बोलते हैं. मीन्स जो भी नेचर लॉ ऑफ गवर्न किए हैं, जो ईश्वर भी नहीं उनको तोड़ना चाहता, वो साइंस को हम नेचर बोला है. नेचर ने अगर लॉज बने हैं तो वो नेचर खुद भगवान भी नहीं इन लॉज को तोड़ना चाहता. जो लॉस जो नेचर द्वारा बने हैं उसकी पहचानते हैं हम, उसकी हम ह्यूमिडिटी बारे दसते हैं. मीन्स डिफरेंट एरिया से यूज़ करते हैं, जैसे मैनिफेस्टेशंस इन वेरियस नेचुरल फिनोमिना. मीन्स जो मैनिफेस्टेशंस, मीन्स जो प्रभाव उसके चारों पास से दिखते हैं. मीन्स दिखते हैं हमें कहाँ कहाँ हम उनको एवेल्युएशन करते हैं वहाँ. मीन्स जो नेचुरल फिनोमिना, जो घटना घट रही है, जो हम लगातार दिखते आ रहे हैं. मीन्स हमने एग्जांपल भी दी है, जैसे दिन रात का होना. मीन्स हम सिंपल स्टडी की बात करें तो नेचर ऑफ लॉ है. नेक्स्ट द प्रिंसिपल थ्रस्ट एरिया ऑफ फिजिक्स. मीन्स जितने भी लॉस हैं बने हैं सभी फिजिक्स से बने हैं. ठीक, प्रिंसिपल्स विच मेन अपने को टू ब्रांचेस ने, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफिकेशन, सेकेंड रिडक्शनिज्म. Unification means that unification is that act of unifying the different laws valid for different into a single theory that explain all the different phenomena. Means हम different law की बात करते हैं, but हम उन्हें explain एक single theory through करते हैं. जैसे apple का गिरना, मून का रिवॉल्व करना, मीन्स पेंडुलम का स्विंग होना, सभी क्या डिफरेंट लॉ है, बट हम उन्हें एक सिंपल, एक यूनिफाई लॉ से हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं. वो कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ. मीन्स हम डिफरेंट लॉस को हम एक लॉ से एक्सप्लेन कर दे. एक जैसे मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल लेंस लॉ की लेते हम, प्रिंसिपल ऑफ क्लोरोमेट्रिक ले सकते हैं हम, क्रिचर्स सेकेंड लॉ, बर्नौलियम थ्योरी. सभी में क्या है, डिफरेंट लॉ है, बट हम यूनिफिकेशनली उन्हें एक लॉ से प्रूव करते हैं. वो कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक, हम उसे क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन. मीन्स अलग अलग पार्ट को हम एक साथ एक लॉ से एक्सप्लेन कर दें. रिडक्शनिज्म,
रिडक्शनिज्म मीन्स रिडक्शनिज्म इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए सिंगल थ्योरी इनटू डिफरेंट लॉज सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ कम्प्लेक्स सिस्टम. मीन्स हम कम्प्लेक्स पार्ट को हम डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, हम फिर उसे एक सिंगल थ्योरी को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से एक्सप्लेन कर देते हैं. मीन्स कम्प्लेक्स पार्ट को हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स को, उसे क्या बोलते हैं रिडक्शनिज्म. मीन्स फॉर एग्जांपल एक बुलेट चलती है, वो बुलेट एक ब्लॉक पर धस जाती है, फिर वो ब्लॉक एक पेंडुलम पर गिरता है, वो पेंडुलम स्विंग होता है, हमने देखना है वो स्विंग होकर कितनी ऊंचाई पर जा रहा है, हमें उनको मेजरमेंट करनी है. तो हमें एक पार्ट से करना कॉम्प्लिकेटेड है, हम उसे क्या करते हैं पार्ट्स में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, वो क्या है रिडक्शनिज्म. नेक्स्ट स्कोप ऑफ फिजिक्स. मीन्स फिजिक्स में दो बड़ी ब्रांचेस होती हैं, सबसे फर्स्ट है माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप. माइक्रो मीन्स लार्ज, माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रोस्कोप मीन्स हम क्लासिकली फिजिक्स की डील करेंगे और माइक्रोच हम क्वांटम फिजिक्स की बात करेंगे. क्लासिकली हम उन्हें फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो हम फर्स्ट टू पार्ट की डिस्कस हम प्लस वन में करेंगे और नेक्स्ट आर्टिकल की हम प्लस टू में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिक्स. मैकेनिक्स मीन्स फर्दर उन्हें फिर डिवाइड किया है, मीन्स कार का मोशन होना, फ्रिक्शन कैसे अप्लाई होती है, रॉकेट रिपल्शन, बेंडिंग ऑफ रॉड कैसे मुड़ जाती है, साउंड वेव मीन्स हमें साउंड कैसे सुनाई देता है, ये सब क्या है मैकेनिक्स दे विच. थर्मोडाइनमिक्स मीन्स हमें लॉस बारे पढ़ेंगे, हीट बारे, टेम्परेचर, हीट इंजन कैसे चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर मीन्स चीज़ों का ठंडा होना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स चार्ज, फील्ड करंट, एसी और डीसी करंट की स्टडी करेंगे हम. ऑप्टिक्स में हम लाइट, वेव, पार्टिकल, मिरर, रेनबो कैसे बनती है, हम इनकी की डिस्कस करेंगे. मॉडर्न फिजिक्स जैसे एटम, नेचर, एटम का क्या होता है मीन्स इलेक्ट्रॉन का नेचर, सेमीकंडक्टर क्या चीज़ होती है, न्यूक्लियस अंदर फिजिकल क्वांटिटी मीन्स हम मास, डिस्टेंस, टाइम मीन्स छोटे से छोटी रेंज से लेकर हम बड़ी से बड़ी रेंज तक कितनी दूर तक हम देख सकते हैं. जैसे मास 10-30 के जी से लेकर हम 10-55 के जी तक, डिस्टेंस हम 10-14 मीटर से लेकर 10-26 मीटर तक, टाइम हम 10-22 सेकंड से लेकर 10-18 सेकंड तक, हम इनकी रेंज मीन्स हम इनको इतनी दूर तक देख सकते हैं. मीन्स डिस्टेंस हम माप सकते हैं, टाइम हम देख सकते हैं, मास हम इनका देख सकते हैं. फंडामेंटल फोर्स इन नेचर मीन्स हम फंडामेंटल फोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मीन्स हम इसमें चार फोर्स की बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स में हम टू मासेस के बीच मास M1 M2 मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स अराइज होती है दो मास के बीच. मीन्स हमेशा इनका नेचर अट्रैक्टिव नेचर होता है. इनका डिस्टेंस आर स्क्वायर मीन्स लार्ज डिस्टेंस एंड आल्सो स्मॉल डिस्टेंस मीन्स दूर भी हो सकते हैं और नेड़े भी. मीन्स फोर्स डिपेंड करती है टू मासिस M1 M2 मीन्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस आर स्क्वायर. फोर्स इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 बाय आर स्क्वायर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नू आप हटा के आप की ला सकते हैं कॉन्सटेंट F इक्वल टू जी कॉन्सटेंट M1 M2 बाय आर स्क्वायर. जी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स मीन जी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स अराइज ड्यू टू मास
second of attractive nature, third large distance and also at a small distance. हमने यही बात की है, force directly proportional mass, inversely proportional distance equal to F equal to G M1 M2 by R square. G means gravitational constant. Next force, weak nuclear force means arise in the case of nuclear process, means हमें nuclear process में nuclear में arise होती है, such as a radioactivity means होती है, सब तो minimum distance means 10^-15 होती है. Short range means ये process minimum range होती है, short distance होता है, means इनमें minimum distance 10^-15 and short range. Third of all, nuclear process में किसमें थी, radioactivity में. Third, strong nuclear force, strong act inside the nucleus. Second, act between proton means proton के बीच होती है, हमेशा इनका attractive nature रहता है, means proton attractive nature, proton neutron. Third of all, proton and neutrons सभी में क्या है, अट्रैक्टिव नेचर है, मींस एक्ट इनसाइड द न्यूक्लियस. प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स होती है, मिनिमम डिस्टेंस 10^-15 होता है, अट्रैक्टिव और पल्सिव नेचर होता है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ यूनिवर्स होती है. मींस हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन. ऐसा तो नहीं है कि इसमें क्या है, प्रोटॉन के बीच क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी. जब रिपल्सिव होगी तो ये तो बहुत दूर होने चाहिए थे, बट फिर भी एक साथ है. क्यों? क्योंकि इनके बीच क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. ठीक. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीन्स एराइज होती है चार्ज के बीच. प्लस मीन्स रिपल्सिव नेचर, माइनस मीन्स रिपल्सिव नेचर, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है. मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स दो चीज़ों तो मिलके बनी है. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अराइज ड्यू टू चार्ज, एंड मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. मीन्स पॉजिटिव मीन्स रिपल्सिव, नेगेटिव मीन्स रिपल्सिव फोर्स रिपेल कर दे. मीन्स पॉजिटिव मीन्स सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, अगर इनके पास अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे. एक्ट एज ए लार्ज डिस्टेंस एंड आल्सो एट ए स्मॉल डिस्टेंस. मीन्स ब्रीफली डिस्कस करें हम तो फोर फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल में दो मास के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चार्ज की बात की जाती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स में न्यूक्लियर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात होती है, और वीक फोर्स में शॉर्ट रेंज होती है. मीन्स ग्रेविटेशनल में हम डिस्कस करते हैं मास के बारे में, लॉन्ग रेंज होती है, वीकेस्ट फोर्स होती है, कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं, नो मीडियम रिक्वायर्ड. मीन्स अगर मीडियम है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स दो चार्ज के बीच बात होती है, लॉन्ग रेंज होती है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है, नो मीडियम रिक्वायर्ड. थर्ड ऑफ ऑल, स्ट्रॉन्ग फोर्स मीन्स न्यूक्लियर में होती है, जिसमें प्रोटॉन में रिपल्शन होती है. पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज सेम है तो मीन्स रिपेल करेंगे, बट फिर भी क्या होते हैं, एक साथ होते हैं. मीन्स उनके बीच कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है. प्रोटॉन रिपेल मीन्स अट्रैक्ट करते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन मीन्स ऐसा नहीं है कि किसके साथ भेदभाव होगा, सेम चार्ज होगा. डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज मीन्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करते भी, इस पर पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव, मीन्स बॉन्डिंग है इनमें, स्ट्रॉन्ग फोर्स नेचर होता है. वीक फोर्स में शॉर्ट रेंज होती है, 10^-15 वीक फोर्स होती है. मीन्स सबसे ज़्यादा
हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर वीक फोर्स एंड एंड ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्स. थैंक यू.